नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी जानकारी आ सके और ऐसी ही जानकारी को आप अपने केस में या अपने जीवन में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर, जो पत्नी है उस पर कोई बच्चा नहीं है, तो क्या अब हमें मेंटेनेंस उसमें देना होगा? क्या हमें लायबल है मेंटेनेंस देने के लिए? चाहे वो लड़की उसमें पढ़ी लिखी हो, कुछ जॉब भी कर रही हो, वो सब चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा, लेकिन कहीं फिर भी कहीं पर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। और हमारा मतलब जो एक आपको कमेंट वीडियो देख के जरूर करना है, क्योंकि आपके ही द्वारा हम मोटिवेट होते हैं और आपसे ही उसके बाद जो हम उसको वीडियो बनाते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं कि मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस देखिए, एक अपने आप में एक ऐसा केस है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, पति जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो हमें देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो ऐसा देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताना जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है कि बेसिकली मेंटेनेंस का केस होता क्या है, ये भी आपको समझना है। अगर आपकी पत्नी पर कोई बच्चा नहीं है और वो पढ़ी लिखी है, समझदार है और जो काम है वो भी करती है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से रोजगार अभी ना करती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, क्या आपकी पत्नी को मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है? तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर आपके लिए मैं बताऊंगा कि क्या करना है इस समय पर और क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कानून में, छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और उन्हीं के आधार पर जो है वो आपका मेंटेनेंस डिसाइड होता है कि क्या आपको मेंटेनेंस देना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका किसी प्रकार से डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, आपके ऊपर कई प्रकार के केस कर दिए गए, चाहे वो सेक्शन 498A का हो या मेंटेनेंस का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का हो, DB का हो, ऐसे कई प्रकार के आपके ऊपर केस कर दिए हैं और फिर आपने उस पर सेक्शन 9 का भी केस किया हुआ है, ठीक है, इसके बावजूद अब आप अपनी पत्नी को ना बुला रहे हैं ना रखना चाह रहे हैं, चाहे उसके पीछे हो सकता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा आपका कुछ भी हो सकता है उसमें लड़की पत्नी जो है आपकी वो एडल्ट्री में हो, किसी के साथ उसके शारीरिक संबंध हो, ऐसा भी हो सकता है, मान के चलते हैं, या फिर कुछ आपके बीच में ऐसे मतभेद हो जिनकी वजह से जिनको अब सुलझाया नहीं जा सकता है, ऐसी भी चीज़ें हैं, तभी आपके ऊपर पत्नी जो है किसी प्रकार से मेंटेनेंस का केस कर देती है आपके पास सेक्शन 125 CRPC के तहत। उसमें जो है जैसे ही आपके पास नोटिस आता है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि जो पत्नी है उसने हम पे मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया है, अब हमको मेंटेनेंस देना होगा। तो आपके जीवन में एक उथल पुथल सी हो जाती है, हालांकि आप देखिए पत्नी नहीं है, जीवन आप अकेला ही काट रहे हैं, आप वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अकेले जीवन जीना। दूसरा, उसके बाद जो ये केसेस जो केस आपके सामने आते हैं उन केसेस को, तो ऐसे समय पर क्या करना है कि देखिए, पत्नी है और पत्नी ने अगर सेक्शन 498 मेंटेनेंस का केस अगर आपके ऊपर कर दिया है, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और उन चीज़ों को आपको अपने जीवन में अपने केस में अप्लाई करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी पत्नी जो है वो एडल्ट्री में है, अगर एडल्ट्री में है तो वो एडल्ट्री का अगर आपके पास सबूत है, कोई एविडेंस है, तो आप 100% मेंटेनेंस देने के लायबल नहीं है, आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, कोर्ट आपके साथ देगा, अगर आप लड़ेंगे तब भी, नहीं लड़ेंगे तब भी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो एक ऐसा समय, एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत छोटी चीज़ हो, बड़ी है। अगर पत्नी आपकी एडल्ट्री में है और आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, चाहे वो पत्नी के उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही हो या किसी प्रकार की कैसी चीज़ें हो, वो आप समझ सकते हैं किसी प्रकार से, तो आपके पास एक राइट है, उसने मेंटेनेंस कर दिया, केस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं कोर्ट वगैरह जाने की। लेकिन जब भी ये मेंटेनेंस जो है वो बन जाता है, क्योंकि कोर्ट तो वो एक तरफा भी कर देगा अगर आप नहीं जाएंगे तो, लेकिन उसके बाद जो है आपके पास राइट है कि आप उसको चैलेंज करेंगे। जब चैलेंज करेंगे तो जो आपको अब तक नहीं सुना गया, अब वो सुनने के लिए कोर्ट बाध्य है, बॉन्ड है कि आपको उसको कोर्ट को सुनना पड़ेगा और उसके आधार पर डिसीजन देना पड़ेगा जो आपके पास एविडेंस है। यानी कि अब उसमें जो है समय आपने खींच दिया, इसमें देखिए एक तरफा आप सोचें कि एक तरफा एक दिन में हो जाता, दो दिन में हो जाता, नहीं, साल, दो साल, तीन साल, कितना समय खींच जाए कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहता है कि किसी प्रकार से इन सब चीज़ों का डिस्प्यूट का समाधान हो जाए। तो जो पत्नियां जिद्दी किस्म की होती हैं, अपने पति को हर प्रकार से ये चाहती हैं कि वो जेल में रहे, वो उसका मतलब जीवन जीना हराम हो जाए, तो वो पत्नी ऐसी करती हैं। मैं अब सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ उनके लिए कह रहा हूँ जो बिगड़ैल पत्नियां होती हैं, जो कि अपने पति के होते हुए
किसी दूसरे के मर्द के साथ संबंध बनाती हैं, उसको नीचा दिखाती हैं और पकड़े जाने पर झूठ बोलती हैं और ये बताती हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर उन्हीं के सामने कुछ एविडेंस आता है, कुछ चीजें आती हैं, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करती हैं और फिर लड़ना शुरू कर देती हैं उस पर, कई प्रकार के केसेस कर देती हैं, सेक्शन 498A कर देती हैं, 125 CRPC कर देती हैं, DV कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है। तो इसके बाद जो है, अब मेंटेनेंस का केस अगर आपकी पत्नी कर भी देती है तो आपके पास राइट है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और चैलेंज करने के बाद जो है वो केस जो आपका मेंटेनेंस बना है अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो जीरो हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अब आपको आपको ये भी लगता है, मान लो हर पत्नी एडल्ट्री में नहीं है, कुछ किसी कारण से झगड़े लड़ाई झगड़े की वजह से वो अलग हैं और उसको समाधान के लिए समय नहीं मिल पा रहा है या फिर किसी प्रकार से सॉल्यूशन वो उसका नहीं हो पा रहा है, तो तब भी आपकी पत्नी ने अगर मेंटेनेंस किया है और पत्नी आपकी लायबल है कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है, वो पढ़ी लिखी है और वो जानबूझ के कुछ काम नहीं कर रही है या फिर जानबूझ के वो आपके ऊपर मेंटेनेंस केस करके आपको हरासमेंट करना चाहती है और आपको हरासमेंट आपको देना चाहती है, आपसे पैसा हड़पना चाहती है, तब भी आपके पास एक अधिकार है, आप इससे बहुत लंबा बच सकते हैं, इतना बच सकते हैं कि वो हो सकता है कि पूरे जीवन में आपसे मेंटेनेंस ना ले पाए। मेंटेनेंस का केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन समझते हैं ना, मतलब कि पैसा पति से अगर राजी से नहीं देता तो उसको जबरदस्ती उससे पैसा निकाला जाए, उसे खींचा जाए, तो एक ये डर का खेल है। अगर आप डर गए तो डेफिनेटली आप पे कर देंगे, उसको भेजेंगे, पैसा देंगे, और अगर आप नहीं डरे तो आपको कोई जरूरत नहीं है आपको पैसा देने की, कभी भी कोर्ट आपको बुलाता रहेगा, कहता रहेगा, आपको कोर्ट के पास ऊपर भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं जिनके जिनके आप उसमें अपील कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी बस से आप बच सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूं आपके लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद उन चीजों को समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी एडवोकेट से हेल्प लेंगे, एडवाइस लेंगे, तो आपको वो चीजें बताई जा सकती हैं, और आपको हमारे दिए हुए अगर हमसे एडवाइस लेनी चाहते हैं आप, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो और चीजें बता सकता हूँ जो कोई वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता सकता। तो अब इन चीजों के मतलब मैं ये समझ लीजिए कि अगर आपने आप डर गए तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, अगर आप नहीं डरे तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनकी वजह से आप मेंटेनेंस बच जाएंगे और कभी भी आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस भी एक डर का खौफ है, खौफ समझते हैं ना, मतलब कि अब तक पत्नी ने आपको डराया, जिसकी वजह से डराया धमकाया, जिसकी वजह से आप मतलब उसके साथ जीना आपने पसंद नहीं किया, उसके साथ रहना पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए। लेकिन अब जो मेंटेनेंस केस है, सेक्शन 498A का केस है, ये सब डर के खेल हैं, ये सब अगर आप डर गए तो मर गए समझ लो, अगर आप नहीं डरे तो आप 100% आपकी ही जीत होगी, क्योंकि ये केसेस जो ज्यादातर जो है वो फॉल्स केसेस पाए जा रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट इस पर टिप्पणी कर रहा है, हर कोर्ट इसके बारे में गलत कह रहा है, गलत का मतलब ये है कि जैसे आतंकवाद तक का इसको मतलब एक जगह दी गई है कि सेक्शन 498 जो है वो एक आतंकवाद की कैटेगरी में आता है। आतंकवाद का मतलब कि महिलाएं जो इसका मिसयूज कर रही हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ वाकई गलत हुआ है तो उनको भी उनकी वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि चीजें जो है वो जब एक चीज की ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, ज्यादा झूठ झूठ हो जाता है, तो फिर वो कोर्ट भी समझ जाता है कि इसकी महिला ने इसने बस हेरासमेंट के लिए किया है, इसको साथ में रहना नहीं है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को सिर्फ और सिर्फ हेरासमेंट करना चाहती हैं, वो साथ में रहना नहीं चाहती हैं, लेकिन उनको इस केस के बहाने जो है मतलब सेक्शन 498A या फिर DV मेंटेनेंस इन केसेस के जरिए जो है उनको अपना जीवन काटना है, लेकिन उनको साथ नहीं रहना है। आप सोच कर देखिए, मैं एक चीज और बता जा रहा हूं कि जो महिला आपके मेंटेनेंस का केस करने के बाद जो है आपसे कुछ चंद पैसे लेना चाहती है, मतलब 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसा, मतलब इतना सिर्फ, और वो भी पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर वो महिला रहेगी साथ में तो सोच कर देखिए, करोड़ों की संपत्ति जो पति के नाम पर है, पति के पिता के नाम पर है, और वो कल को पति के नाम पाएगी तो सोच कर देखिए, वो करोड़ों की संपत्ति वो मालकिन हो सकती है, वो एक दो चार हजार रुपए के पीछे पड़ी हुई है। तो सोच कर देखिए कि कितना मतलब मेंटेलिटी कितनी खराब है, कितना मतलब ये चीजें हैं कि आप कुछ चंद पैसों के लिए तो आप मेंटेनेंस केस कर रही हैं, उससे झगड़ा कर रही हैं, उससे अलग रह रही हैं, लेकिन साथ में रहने के बाद आपको जो आप करोड़पति बन जाएंगी, आपके पास आज के समय ऐसा नहीं है, कोई बहुत लोग हैं जिनके पास में काफी संपत्ति है लेकिन वो फिर भी पत्नी उनके साथ में नहीं रह रही है, उनको किसी ना किसी प्रकार से हरासमेंट कर रही है, तो वो आप सोचकर देख सकते हैं कि इतनी जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़कर चंद पैसों के पीछे है, तो मेंटेलिटी खुद समझ सकते हैं आप कि मेंटेनेंस डालने का केस का जो है मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट है। वो खुद लिखवाती है अपने केस में कि इतनी प्रॉपर्टी है इनके पास, इतना कमाते हैं,
जब मेंटेनेंस का केस आता ना, जब तो जज साहब खुद उसको देखते हैं कि इतना प्रॉपर्टी होने के बावजूद तुम कुछ चंद पैसों की डिमांड कर रहे हो, इससे तुम इसके साथ रहो ना, कल को बच्चे भी होंगे तुम्हारे, तुम मालकिन रहोगे उस घर की पूरी, घर की प्रॉपर्टी की पूरी, तुमको क्या जरूरत है लड़ने की झगड़ने की, क्या जरूरत है कोर्ट में आने की। तो ऐसी चीजें भी सामने आती हैं देखने के लिए। अब कोर्ट भी समझता है कि वाकई इन चीजों का, तो कोर्ट भी बहुत स्लो प्रोसेस करी जाती है, चलाई जाती है इसमें। तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है इस चीज में। अगर आप डरेंगे तो आप जरूर उसमें मेंटेनेंस भी देना शुरू कर देंगे, और नहीं डरेंगे तो कोई मेंटेनेंस जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम जेल जाना पड़ जाएगा ना आपको, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जेल जाने में भी। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आप मेंटेनेंस दोगे तो फिर मेंटेनेंस की आदत पड़ जाएगी आप उसको लेने की और आपको देने की। तो कुछ नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है आपको। आपके पास एक कोर्ट से अगर मेंटेनेंस हो जाता है तो ऊपर बहुत सारे कोर्ट्स हैं, वहां पर आप उसको अपील कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं ये तो देखिए, छोटे छोटे बारीकी पॉइंट्स होते हैं, वो आपको केस देखकर आपको पता लगेगा, आपके जो केस है वो उसमें देख कर पता लगेगा कि कौन कौन चीजों में आप पे डिमांड की गई है। तो बस इतने कहना चाहूंगा, बाकी मैं बहुत सारी चीजें जो वीडियो के माध्यम से मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी हमारी एडवाइस चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने एडवोकेट से भी आप एडवाइस लेंगे तो आप डेफिनेटली आपके लिए इससे छुटकारा मिल पाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।